मित्रों, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। ये चैनल को एक बार अगर नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बांस और बांस की प्रजाति के बारे में, बांस की फार्मिंग के बारे में आपको हम बतला पाए, दिखा पाए। यस, ये है हमारा ओवरऑल बाम्बू छोटा सा पार्क, जहां पर हम फार्मरों को समझ में आ सके कौन सी वैरायटी का क्या लक्षण है और किस तरीके से वो ग्रो होकर बड़ा होता है। उसके लिए छोटी सी स्पेस के अंदर में हमने बाम्बू पार्क बनाया हुआ है। आइए ले चलते हैं आपको अलग अलग वैरायटी के साथ में। जैसे ये है डी स्टेक्टस वैरायटी। ये स्टेक्टस वैरायटी 30-32 फीट की हाइट करती है, कांडे जितने थिकनेस रहती है, अंदर से ठोस वैरायटी आती है। साइड ब्रांचेस के साथ में पहले 3 साल आएगा और चौथे साल से वो स्टंप सीधा स्ट्रेट जाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ में 10 से 12 फीट में ही उनका साइड ब्रांचेस रहेगा। शुरुआती तौर पे जिन किसी को भी बाउंड्री में फेंसिंग लगाना है तो ये स्टेक्टस का फेंसिंग लगा सकते हैं, ताकि एनिमल प्रोटेक्शन जो है उसके हिसाब से वो ले सके। बायोमास के रिलेटेड ये वेराइटी यूज़ में आता है। उस तरीके से ये दूसरी वेराइटी है लॉन्जिस पैथस। जिन किसी के भी पास में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो इस वैरायटी को लगाइए। ये वैरायटी ठोस वैरायटी में से होती है और इसकी डेंसिटी जो है, बड़ी बात है कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यदि आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप लॉन्जिस पैथस भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे पोलीमार्फा। यस, ये है पोलीमार्फा वैरायटी और आप देख सकते हैं इसके अंदर में साइड ब्रांचेस बहुत कम आता है, और जो साइड ब्रांच आता भी है वो पतले वाला आता है। और जैसे जैसे ये ग्राफ हाइट पे जाता जाएगा तो साइड ब्रांच अपने हिसाब से 2-2 इंटरनोड की दूरी के बाद में आना शुरू हो जाती है। ये अंदर से ठोस बहुत बढ़िया वैरायटी और कई वैरायटियों का सब्स्टिट्यूट ये कह सकते हैं, होलो और ठोस के बीच की वैरायटी रहती है। 70-75 फीट की हाइट पकड़ती है और थिकनेस जो है वो भी कम से कम, अगर गोलाई हम नापे तो 12 से लेकर 14-16 तक इंच में इसकी गोलाई जाती है। मैच्योरिटी पीरियड वैसे इसका जो है वो 5.5 से 7.5 साल के बीच में हम लगा सकते हैं। उसके बाद में है ये टुल्डा वैरायटी। ये आप देख सकते हैं टुल्डा, स्ट्रेट टुल्डा, सिर्फ टुल्डा नहीं कहेंगे, स्ट्रेट टुल्डा कहेंगे इसको। इसमें साइड ब्रांचेस बहुत कम आता है और जो आता भी है वो पतला वाला साइड ब्रांच रहता है। यस, उसके बाद में है यहाँ पे येलो वल्गरियस। इसके अंदर में ये येलो कलर का पोल आता है, ग्रीन कलर की लाइन आती है और आप देख सकते हैं इसकी भी हाइट। ये 7 मंथ, ये जितना भी प्लांटेशन हमने किया है पिछली 15 जुलाई के बाद, हमने ये 15 जून के बाद में ये प्लांटेशन किया है। तकरीबन 8 महीना आज हो रहे हैं इस पार्क को। और अलग अलग वैरायटी अलग अलग हाइट से या अलग अलग मैच्योरिटी से, हमें जितना ऊपर सिर्फ ग्रोथ दिखाई दे रहा है वही नहीं देखे हम, इसके इनसाइड में भी सबका राइजोम डेवलप होने में ग्रोथ अलग अलग रहता है उस तरीके की कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर है ब्रांडीसी, डी ब्रांडीसी। ये वैरायटी भी एकदम मस्त वैरायटी है। टुल्डा के ऊपर अगर कोई वैरायटी गिनी जाए तो ये डी ब्रांडीसी गिनी जाएगी। अंदर की वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है, टुल्डा के माफिक 20 से 25 फीट की हाइट और बढ़ा के देती है, मतलब 70-75 फुट की आम जो है वो उसकी हाइट रहती है, उससे अपर भी जाती है अगर क्लाइमेट उसके साथ में दे तो। ये है ग्रीन वल्गरियस वैरायटी। अंदर से थोड़ी ठोस आती है, पिन होल जितना होल रहता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वो होल बढ़ता रहेगा। लेकिन पोलीमार्फा और ये ग्रीन वल्गरियस, ये दोनों जो है वो आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा बल्कुआ वैरायटी चूज़ करते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट में भी ये ग्रीन वल्गरियस कहलाती है। चलते हैं आगे। यस, ये है हाइट थिकनेस के अंदर में सबसे बड़ा रोल देने वाला, जिसको बेसिकली डी जाइजेंटियस कहते हैं, और जाइंट बाम्बू की तुलना के अंदर में ये सारी वैरायटी आती है। आज सब लोग कह रहे थे कि गुजरात में 48 डिग्री के बाद में भी ये वैरायटी नहीं हो सकती है, लेकिन हम ऐसी वैरायटी भी कर सकते हैं
गुजरात में ये अभी पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको 2-3 साल के अंदर में उसका वेजिटेटिव ग्रोथ क्या और किस तरीके से रहेगा। आइए चलते हैं और दूसरी वेराइटियों के पास। इसमें लगाई तो हमने 25-30 वेराइटी है, लेकिन किस किसी के बोर्ड बन के आ चुके हैं तो अभी उसी की बात अपन करते हैं। जैसे ये टी ओलिवरी, यस ये है टी ओलिवरी, टिश्यू कल्चर वेराइटियों और सीड बेस वेराइटियों में काफ़ी अंतर होता है। टिश्यू कल्चर वेराइटी में हम कह नहीं सकते वो कितना चलेगा, क्या क्या तकलीफ़ रहेगी। ये टी ओलिवरी है जो उसका राइजोम बेस थल लगा हुआ था उसमें से पनक के बाहर आया है। अब देख सकते हैं ये राइजोम का थल जो लगा हुआ था, ये एक लगा था, ये 9 महीने के अंदर में इतने बाहर आए हैं और हाइट वगैरह भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेट सीधे जाने वाली वेराइटी है, अंदर से ठोस वेराइटी है। ये था टी ओलिवरी, यहाँ पर शायद थोड़ा सा टूट चुका है बोर्ड। न्यूटन वेराइटी है, डीएस वेराइटी, डिस्ट्रेक्टस वेराइटी जो है उसे एक स्टेप ऊपर न्यूटन को लिया जा सकता है। पहले 2 साल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, 3रे साल के बाद में स्ट्रेट जाता है, 30 फिट की हाइट आती है, अंदर से ठोस वेराइटी रहती है। अभी यहाँ पर जैसे हम टुल्डा देखते हैं वैसे ही ये टुल्डा का दूसरा स्वरूप है, इसको बायोमास वाला टुल्डा कहते हैं। ये वो बायोमास वाला टुल्डा है, ये बायोमास वाला टुल्डा है जिसके अंदर में साइड ब्रांच आती है। वो टुल्डा होलो था, ये टुल्डा अंदर से थोड़ा ठोस वेराइटी के अंदर में तुलना में उसकी शाखा में आता है जी। एक देखते हैं और वैरायटी, यस ये है ऑर्नामेंटली वैरायटी बुद्धा बेली। गार्डनिंग वगैरह करना है आपको या आपको जो है विंग्स करना है उसकी पैरेलल में आप साइड में जो है ये लगा सकते हैं। बाउंड्री वॉल के अंदर में भी आप जहाँ पर गार्डनिंग जैसा आपको दिखाना है वहाँ लग सकता है, घर के बरंडे में लग सकता है। ये वामन बांस से भी इसको परिचित किया जाता है, कई लोग इसको वामन बांस कहते हैं, कई लोग इसको बुद्धा बेली भी कहते हैं। कमर्शियली हिमल्टोनी, यह हिमल्टोनी वैरायटी थोड़ा पानी मांगती है। हिमल्टोनी वैरायटी सीधा स्ट्रेट जाती है और 55 फीट के आसपास की हाइट लेती है। ये है स्टॉक्सी वैरायटी, ये न्यूटन और स्टेक्टस जैसा ही डी जो है वो वैरायटी का कॉम्बिनेशन है, डेंड्रोकलिमस का कॉम्बिनेशन है और ये भी स्ट्रेट जाता है, मनगा के नाम से इसको जाना जाता है। ये है कटंग, बांबू में सबसे बढ़िया लेकिन फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए सबसे अच्छा, रिफॉरेस्ट्री के लिए सबसे अच्छा। इसके अंदर में ख़ास तौर पर देखा जाए तो जैसे जितनी जितनी ये साइड ब्रांचेस आती है उसके अंदर में अगर मैं दिखाऊँ तो ये नीचे जो है ये कांटा है मेरे हाथ के पीछे की तरफ में, शायद इसमें इतना दिखे, हाँ ये जो छोटा कांटा है उस तरीके के कांटे जो है इसके हर साइड ब्रांच के अंदर में आते हैं और हर साइड ब्रांच से जितनी भी लीफ आती है उस जगह पर भी वो कांटे रहते हैं। वो कांटे को निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये कटंग वेराइटी एग्रीकल्चर के अंदर में हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है और ज़्यादा पैसा हार्वेस्टिंग में लग जाता है। इसलिए हम मना करते हैं कि एग्रीकल्चर में लगाओ तो मैकेनिकली हार्वेस्ट हो सके वैसे लगाओ। उसके बाद की वैरायटी है वाइट ड्रैगन वैरायटी, ऑर्नामेंटल बेस प्लांट है। यहाँ पर इसको दिख रहा है कि धूप थोड़ा ज़्यादा लग रही है, वाइट और ग्रीन लीफ में वाइट पत्तियाँ वाला, ये बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। उसके बाद जो हम झाड़ू लगाते हैं ये वो वैरायटी है, जो हम झाड़ू लगाते हैं वो भी बांस में से बनता है, ये वो वैरायटी है जो झाड़ू लगते हैं, इसी में से अलग 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 स्ट्रिपिंग जो है वो निकल जाती है और आगे बढ़ता है। वैरायटी काफ़ी सारी लगी हुई है, कुछ कुछ अभी इस वैरायटी के अंदर में आने बाकी है उनके नेम प्लेट। ये है लेटीफ्लोरा, लेटीफ्लोरस, ये वैरायटी भी देखने में बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा धीरा चलने वाली वैरायटी के अंदर में ये आती है। ये भी एक नई वैरायटी है, वैसे तो आप इसको पहचान ही लोगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इसका अभी स्टंप नहीं आया है। आयरन बाम्बू, गुडुआ बाम्बू के नाम से इस वैरायटी को पहचाना जाता है। कहीं ट्रायल बेस की वैरायटी भी है, कहीं रूटिंग बेस की वैरायटी भी है।
ये है ग्रीन मल्टीप्लेक्स, ग्रीन मल्टीप्लेक्स वैरायटी। छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती है, 8 से 10 फीट, 12 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 14 फीट की हाइट पकड़ती है, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे नीचे आ सके वैसी ये मल्टीप्लेक्स वैरायटी है। इसमें दो अलग अलग टाइप आता है, येलो मल्टीप्लेक्स भी आता है, ग्रीन मल्टी